एक सहानुभूति दिखाने वाला कैरेक्टर है जो परिस्थितियां हैं देश में और ख़ासतौर से दिल्ली में उनको लेकर के इसको बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से इसको इसका एक ढांचा बना है जिसमें मुझे डाला गया। मेरे लिए बड़ा ये एक गर्व का समय है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ पर आप जो किरदार आपके लिए बनाया जाता है उसमें आपका विश्वास रहता है और मेरा विश्वास न केवल इस कहानी में है बल्कि इस किरदार के साथ है और जो ये किरदार कहता और करता है उसके साथ। पिंक आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू अ डेली गर्ल। लाइक श्री सर सेड के मतलब बहुत इजी और डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम ये थी पिक्चर। इजी इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, वहीं पे रही हूँ यहाँ आने से पहले, तो इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता था कुछ करना मेरे लिए। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था, इट हैज़ एक्चुअली टेकन अ पीस आउट ऑफ माय हार्ट एंड इट्स ऑलवेज गोना बी देयर। लाइक दिस विल बी अ लैंडमार्क फॉर मी इन ऑल पॉसिबल वेज। द फैक्ट दैट सो अर्ली इन माय करियर आई गॉट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम, लाइक हाँ हम एक दूसरे के अगेंस्ट से खड़े थे ऐसा लग रहा था ट्रेलर में, बट वॉट फन टू वर्क विद हिम एंड my sweetheart's almost here right now. I think we three bonded the best during the film shoot. Like we really were like flatmates.